हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है, लुमिनस के 3 के भी ऑनलाइन यूपीएस का वीडियो होने वाला है, जिसका इंस्टॉलेशन एंड सेटिंग एंड फॉल्ट कोड के बारे में भी देखेंगे, कौन सा फॉल्ट कोड आता है। तो जो लोग मेरे चैनल में नया आया हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए कि लेटेस्ट वीडियो आने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास जो मॉडल है आज, ये लुमिनस का ये मॉडल है, लुमिनस 3000 LD। ठीक है, 3 KB ऑनलाइन यूपीएस। तो इसको अगर चलिए इंस्टॉल कर लेने, तो इंस्टॉल करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, आपके पास जंपिंग केबल नहीं है, मीन्स नहीं आएगा इसके साथ। तो आपको जंपिंग केबल बनाना होगा, 5 जंपिंग केबल बनाना होगा, 6 स्क्वायर mm का। ठीक है, वायर से, और लॉक्स भी होगा 6 का। ठीक है, 4x6 का। और ये केबल आपको देगा जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, ये केबल आपको देगा, बट जो जंपिंग एयर केबल है ये नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं इसको खोल के कि केबल कैसा देते हैं। तो देखिए, यही देता है जो पैकेट में है ना, बस यही आपको मिलेगा। ये आपको जो इन्वर्टर के साथ जो लगेगा, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्टर ही है। ठीक है, जो बट जंपिंग एयर आपको नहीं देगा। और ये जो देख रहे हैं, ये आपका यूएसबी केबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे ये भी कहाँ लगता है, दोनों ही दिखाऊंगा। तो ये वाला केबल आपको मिलेगा खाली। ठीक है, जो कि बैटरी की एक्सटर्नल केबल है, वो बैक साइड में लिखा है आपका एक्सटर्नल केबल, पॉजिटिव नेगेटिव साइड है इसका, और 2 वायर भी है। और ये देखिए, ये स्लॉट में एक वो कट जैसे बना हुआ है, एक कट आपको बहुत ध्यान से देना है। ठीक है, ये कट जो लगा है, ये कट इन्वर्टर के कट के साथ में बैठना है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी बैठना है, तो ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो चलिए जाते हैं अभी। ये देखिए, यही साइज़ का लॉक्स लेना है आपको। ठीक है, ये देखिए मेरे पास 4x6 का है। ठीक है, मीन्स 4 का डाया है और 6 का लक्स है। ठीक है, ये देखिए 4 का डाया है, जो होल है ये 4 का है, बट जो वायर लगेगा वो 6 में लगेगा, ये डाया हो 4 का है, क्योंकि मेरे पास जो बैटरी है 42 इंच का, इसका जो नट है वो 4 का है। ठीक है, 4 स्क्वायर mm का है, तो मैंने 4 का लिया। और इसको भी कहाँ लगाना मैं भी दिखा था। और इसके साथ एक कैसेट देता है, जो आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बाहर से देखना है तो ये विजिबली करता नहीं है कोई। तो अभी इन्वर्टर देखिए, ये इन्वर्टर बहुत ही हल्का है, एक 14 kg का इन्वर्टर है। तो ये देखिए, मैंने जो बोला, ये देखिए, ये यूएसबी का है जो मैंने दिखाया था केबल, ये RS232 है। ठीक है, जो बीजे केबल है, ये आपके EPU से इमरजेंसी पावर स्टॉप का। ठीक है, ये वाला स्लॉट इंटेलिजेंस स्लॉट है, जो कि आप सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यही एक्सटर्नल बैटरी जो कि मैंने दिखाया था आपको केबल, वो लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे खोल के दिखाऊंगा। ये आपको 2 फैन आएगा, और यह आएगा आपका इनपुट का। ठीक है, तो ये इनपुट का आएगा रेड लाइन वायर, ये न्यूट्रल, और ये आपका अर्थिंग। देखिए नीचे लिखा है, लाइन इन, न्यूट्रल इन और अर्थिंग, और यह है आउटपुट का। ठीक है, पहला वाला जो है ये आपका लाइन इन है, न्यूट्रल है और अर्थिंग है। ठीक है, तो अर्थिंग इधर भी है और उधर भी है, अर्थिंग इधर 3 है टोटल। ठीक है, और आपको बॉडी से अगर शॉक लगता है तो बॉडी में भी अर्थिंग लगा सकते हैं, ऐसे में देखिए बॉडी में भी सेपरेट अर्थिंग देना होगा आपको, बॉडी में देना है तो। ठीक है, वही अर्थिंग से भी आप काम चला सकते हैं। और ईपीयू को आपको लेना है तो मैं आगे ईपीयू का भी दिखाऊँ। तो मेरे पास जो बैटरी है, ये मैं ये एक्साइट 42 इंच का बैटरी यूज़ करने वाला हूँ, ये इन्वर्टर में सीरीज कनेक्शन में। तो मैं डायग्राम में दिया हूँ, ठीक है, ये डायग्राम है, टोटल 72 वोल्ट है, एक बैटरी 12 वोल्ट का होता है, सभी को सीरीज करके मुझे 72 वोल्ट मिला है। ठीक है, तो अभी मैंने ये सबको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी मैं प्लग में चेक करूंगा कि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव साइड में 72 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, पोलरिटी भी सही है कि नहीं। ठीक है, जो पॉजिटिव लिखा था प्लग में, मैंने जो आगे दिखाया था आपको पहले, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, तो मीटर में देखिए मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 77 वोल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये पोलरिटी आपको चेक करने ही लगाना है, नहीं तो फिर UPS सबका ख़राब हो सकता है। पोलरिटी आप दोनों तरफ करके रखिए। ठीक है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा के चेक कीजिए तो मीटर में पर करेक्ट आएगा, लेकिन आप प्रोब को जैसे ही उल्टा कर देंगे तो मीटर में आपको नेगेटिव सैंपल दिखाएगा। हैं, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, दोनों तरफ से आपको पता करना होगा। देखिए मैंने अभी उल्टा कर लिया है। ठीक है, तो मीटर में देखिए नेगेटिव सैंपल भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको उल्टा और भाव के दोनों करके आपको देखना पड़ेगा। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको फिर से और एक बार करेक्टली चेक कर लूँगा, क्योंकि एक गलती पूरा का पूरा इन्वर्टर ख़राब कर सकता है। तो आपको इससे पे बार बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हर तरफ से आपको चेक करना पड़ेगा कि पोलरिटी सही है कि नहीं, क्योंकि एक गलती बहुत भाई ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, पूरा का पूरा UPS ही डैमेज हो जाएगा। तो फिर से मैं बैटरी में भी चेक करूँगा, पॉजिटिव वायर में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इधर आ रहा है 77 वोल्ट। ठीक है, देखिए लगाया, तो मैं इंटर नहीं दिखाई दे रहा, मैं आप दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अभी देखिए लग गया, तो अभी हमने चेक कर लिया 77 वोल्ट आ रहा है। तो अभी देखिए ये जो एक्सटर्नल बैटरी के स्लॉट मैंने दिखाया था, ये एक्सटर्नल बैटरी का ये जो ऊपर जो कट है वो कट ऊपर की तरफ रहेगा और उधर भी एक कट रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रख के फिर ऐसे लगाना होगा आपको, ठीक है। इधर भी लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, कट अगर नहीं सही होगा तो लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर सही से लग गया, कोई स्पार्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और लगाने के बाद आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, एसी डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे कनेक्ट किया, हमने ये इसको स्लॉट को ऐसे किया, और इधर का फर्स्ट का पॉजिटिव, इधर देखिए ऐसे मैंने सीरीज में पहले का नेगेटिव और दूसरा का पॉजिटिव, तीसरा दूसरा का नेगेटिव दूसरा का पॉजिटिव, ऐसे करके पूरा सीरीज करके, ठीक है, मैंने जो डायग्राम में दिखाया सीरीज करके लास्ट में हमको नेगेटिव और पॉजिटिव बच गया, 72 वोल्ट हो गया, और हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए इधर पूरा लिखा है बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे सेम करके हमने ग्राउंड करके घुमा के लाके आके इसको लगा दिया। तो अभी हमको इसको सेटिंग मोड में जाना होगा, सेटिंग करना है, बिना सेटिंग के हम इसको ऑन नहीं करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए हम पहले इनपुट देंगे, ठीक है। तो इनपुट लगाने से पहले हमको पहले इसको फेज चेक करना पड़ेगा कि फेज पोलरिटी सही है कि नहीं, फेज राइट साइड में आ रहा है कि नहीं। तो ये स्विच ऑन किया मैंने, टेस्टर से चेक किया फेज राइट साइड में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है राइट साइड में। तो स्विच बंद करके मैंने प्लग को लगाया, इधर भाई वायरिंग रेडी नहीं है, मैं खाली इसको डेमो पर्पज़ के लिए फिटिंग करके जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन बाद में आके इसको वायरिंग रेडी करके लगाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप मेंस लगाएंगे डिस्प्ले में आपको ऐसा आएगा, तो आपको यूपीएस ऑन नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी आपको सेटिंग मोड में जाने के लिए जो सिलेक्ट बटन है इसको आपको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, ठीक है। जो आपका सेंटर वाला बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना है 5 सेकंड तक, तब आप जाके सेटिंग मोड में जाके, सेटिंग मोड पे जाने से पहले आपको मेंस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए सभी लोग सेटिंग करने को बिजी है, तो वीडियो भी बना रहा है, सभी लोग वीडियो और सही। तो इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सोच रहे थे, देखिए ईपीयू स्विच है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूरा लिखा है, तो मैं एकदम पूरा बताता हूँ। ईपीयू स्विच अगर फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो जो वायर लगा हुआ है इसको आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, करके आपको जिधर भी आपको इमरजेंसी स्टॉप स्विच लगाना इधर तक लेके जाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा वायर लगा रहता है इसको खोल के ऐसे लगाना पड़ता है, तब इंटरनेट सर्च कर लीजिए ईपीयू को, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और ईपीयू अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो देखिए ऐसा एरर दिखाएगा, कुछ भी होगा, और ये हमारा फॉल्ट कोड है, जब भी इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम होगा ये हमारा फॉल्ट कोड दिखाएगा, ये फॉल्ट कोड 1, ठीक है। तो फॉल्ट कोड 1 का मतलब है बस स्टार्ट फेल, ठीक है। तो ऐसे पूरा आपको फॉल्ट कोड दिखाई देगा डिस्प्ले में, और इसको कोड का मतलब आपको, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको ये कोड पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर इसको रिपेयर करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको इसको रिपेयर करके भी दिखाऊंगा कभी, ये तो आता नहीं है ज़्यादातर, इतना जल्दी ख़राब होता भी नहीं है। तो चलिए अभी इसको, तो चलिए अभी हम चला जाते हैं सेटिंग मोड में। तो सेटिंग मोड में जाने के पहले आप देखिए ये आपका 3 सिलेक्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। पहला वाला ऑन बटन, सेकंड वाला सिलेक्ट, और तीसरा वाला ऑफ। तो सिलेक्ट बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, देखिए मैंने रखा है, तो आप सेटिंग मोड में चला जाएंगे। तो पहली आएगा 0 0, इसको अगर एंटर करेंगे आप तो आप एग्जिट हो जाएंगे। मुझे ये नहीं जाना, मुझे आउटपुट वोल्टेज सेटिंग करना है, तो मैंने इसको फिर से सिलेक्ट बटन को दबाया, तो आउटपुट वोल्टेज आप 200 से लेके 240 कोई भी वोल्टेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आपको 230 रहता है, ठीक है। तो मैंने 230 सिलेक्ट करके रखूँगा, उसके बाद मैं फिर से एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने 230 को सिलेक्ट करके मैंने इसको एंटर कर दिया है, ठीक है। 240 देखिए, 230 को सिलेक्ट करके तो अभी इसको एंटर मार देंगे, तो सेकेंड वाला आ जाएगा। तो सेकेंड वाला आएगा तो फ्रीक्वेंसी डिजेबल या एनेबल रखिए, और अगर डी एनेबल रखेंगे फिर इसको एंटर दबाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी दिखाएगा कितना है। तो आप 50 होता है इंडिया का, तो आप 50 रखेंगे, ये आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे। इसके बाद में आपको आ जाएगा इको एनेबल एंड डिजेबल। नॉर्मली इको जो है डिजेबल में रहता है, बट आप इसको एनेबल कीजिए। इसको एनेबल करने से क्या होगा, अगर इनपुट का हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सेट किए तो इससे कम ज़्यादा होगा तो यूपीएस आपका मेंस लेना बंद कर देगा, ठीक है। तो आप यूपीएस से एकदम डायरेक्ट बैकअप मिलेगा, ठीक है। तो आपकी यूपीएस का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका लाइफ भी ज़्यादा आएगा। तो देखिए इधर आपको हाई और लो, ठीक है, दोनों मिलेगा आपको। तो और फिर बाद में इधर वोल्टेज भी आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाई आपको जितना वोल्टेज चाहे इधर सेट करके रख सकते हैं, तो और लो भी आप जितना चाहे। तो मैं हाई इधर 250 सेट कर रहा हूँ और लो 200 सेट कर रहा हूँ मैं, जिससे कम ज़्यादा हो तो मेरा यूपीएस मेंस लेना बंद कर दे, ठीक है। मेंस से जो चार्जिंग करना है वो बंद कर दे और डायरेक्ट इन्वर्टर से मैं यूपीएस से दबाएंगे वो चार्जिंग करना शुरू करें। फिर से सिलेक्ट बटन दबाएंगे नंबर पे लेके जाके, तो ये दिखाएगा आपको देखिए बाईपास डिसेबल एनेबल। तो बाईपास आप डिसेबल चाहे तो डिसेबल रखिए, एनेबल रखिए तो एनेबल रखिए। तो मैं तो एनेबल रखूँगा क्योंकि यूपीएस ख़राब हो जाएगा तो
इमीडिएटली वो बाईपास में जाना है, ठीक है। तो मैंने इसको बाईपास में एनेबल रखे, बाईपास का वोल्टेज सेट करना है हाई और लो, ठीक है। तो इसको सेट करने के बाद आप आएगा लिमिट टाइमिंग बैकअप, इसको आप फिर बाद में आपका आएगा बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो बैटरी कैपेसिटी आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, कितना एज का बैटरी है। तो जो जो सेटिंग इंपॉर्टेंट है मैं यही कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो 42 एज का बैटरी है मैं इसको 42 कर रहा हूँ, बट आप 42 कीजिए, जितना भी कीजिए, इसका चार्जिंग एंपियर डिफॉल्ट आपको 6 एम्पियर ही रहता है, ठीक है। बट बैटरी एज आप देंगे तो आपको इसको बैकअप कैलकुलेशन करके देगा हूँ कितना और बैकअप आएगा। तो आपको बैटरी सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में करके एंटर दबाएंगे, ECS अगर आएगा फिर एंटर दबा देंगे तो आप इधर से एग्जिट हो जाएंगे मेनू से, ठीक है। फिर बाद में जब आपका थोड़ा देर बाद में आप जब डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा फिर ऑन बटन को प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड तक, तो इन्वर्टर ऐसा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी देखिए जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, पावर आ जाएगा, तो आपका ऐसा दिखाई देगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो ये इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज आपका वेरिएशन होता रहेगा, बट आउटपुट वोल्टेज आप जो सेट करके रखे 230 वो 230 देना चाहिए, नहीं तो आपका सेटिंग कुछ गड़बड़ हुआ। 230 सेटिंग के तो 230, 220 सेटिंग के तो 220, थोड़ा बहुत एरर है। अगर ऑफ बटन का प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड तक तो इन्वर्टर देखिए ऑफ हो गया, आउटपुट वोल्टेज भी 0 हो गया, ठीक है। हाँ देखिए इनपुट वोल्टेज। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करके रखूँगा इन्वर्टर को। तो फिर से ये ऑन और म्यूट बटन को क्लिक करके रखेंगे 2 सेकंड, ये ऑफ बटन ऑन बटन, इसको फिर से 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे कंटिन्यूस, 2-3 सेकंड प्रेस करके रखिए, ऑन दबा के बीप देके ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी देखिए ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मेंस बंद करेंगे, ठीक है। मेंस बंद करके चेक करेंगे, तो देखिए मेंस हमने बंद किया तो दिखा रहा है ये बैटरी टाइमिंग का, ठीक है। मेंस का जो लाइन है ये इनपुट लाइन है बंद हो गया, ये देखिए जो दिखा रहा है वो वोल्टेज 79 है, डीसी वोल्ट है, एसी नहीं है। तो इधर बैटरी का जो दिखा रहा है बार, 4 बार दिखा रहा है, 1 बार 25% करके, ठीक है। और इधर का जो लोड है ये भी लोड का 1 बार 25% करके। मैंने इसका मैनुअल आपको electricallearner.com में मैं दे दिया हूँ, मैं नीचे भी दे दूँगा, ठीक है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो आपको अगर मैनुअल चाहिए तो आप मैनुअल भी चेक कर सकते हैं electricallearner.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैनुअल दे दूँगा, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।